इसका क्या मतलब कि तुम मुझे अपने जैसा समझती हो? तुम्हें पता नहीं चला कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो? हाँ, मुझे अपने पीछे भगाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। अब इधर उधर क्यों देख रहे हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं करते हो? हयात, रिलैक्स रहो, चले इस बात को भूल जाते हैं। देखो मुराद, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कहाँ जा रहे हो? बताओ मुझे, कार में जो तुमने कहा उसका क्या मतलब था? कुछ कहते क्यों नहीं हो मुराद? जवाब चाहिए, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ मुराद कि तुम मुझे अपने जैसा समझती हो? देखो मुझे परेशान मत करो, अगर तुम वाकई इतने खामोश तबीयत इंसान होते तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। तबीयत तो ठीक है ना मुराद? क्या हम डॉक्टर के पास चले? कल रात से बहुत अजनबी लग रहे हो तुम। अजनबी लग रहा हूँ? मेरा मतलब है कल रात तुम बिल्कुल अलग लगे। हाँ, जैसे आपने तो बहुत तैयारी करके रखी थी और मैंने कुछ नहीं कहा। चलो अब कहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो हयात। मेरा मतलब ये नहीं था। और तुम ये भी सोच रही होगी कि मैंने क्यों कुछ नहीं किया, इसी तरह की उठपटांग बातें रात से सोच रही हो। अब तक तो दिमाग पक गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी बीवी हैं और आपको पूरा हक है शक करने का मुझ पे। बस बस, बहुत हो गया। ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो तुम सुबह सुबह? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे बस ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? कुछ बोलते क्यों नहीं मुराद सर सलमास? फिलहाल तो आप खामोश हो जाइए, मेहरबानी होगी आपकी। Susmayacağım canım. Susturum ama. Nasıl olacakmış o? En iyi bildiğim şekilde. Öyle. Sustum.